गाइस कभी कभी अचानक से खड़े होने पर चक्कर क्यों आता है? स्क्विड गेम की कहानी के पीछे स्ट्रगल क्या था? टैटू मशीन के पीछे का सच? फिर ये कौन है जिसके प्यार में लोग सुसाइड कर लेते थे? कुछ लोगों को अकेले में टॉयलेट क्यों नहीं आती? स्टडीज में पाया गया कि बिल्ली इंसानों की सारी कमांड्स को समझती है फिर भी इग्नोर करती है, पर डॉग्स तो ना जानते हुए भी फॉलो करते हैं, इसलिए डॉग्स को अपनाइए। लेकिन पफरफिश से दूर ही रहिएगा, क्योंकि पफरफिश इतनी पॉइजनस होती है कि एक पफरफिश के जहर में 30 इंसानों की मौत हो सकती है। वैसे मौत की गेम यानी स्क्विड गेम, जो कि नेटफ्लिक्स की बहुत ही पॉपुलर सीरीज है, इसे क्रिएट करने वाले वांग डोंग ह्यूक ने शो को 2008 में लिखा था, लेकिन ये लगातार 10 सालों तक अलग अलग स्टूडियो ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये कितना फेमस हुआ ये तो आपको पता ही है, इसलिए पेशेंस बनाकर रखो और मेहनत करते रहो। वैसे थॉमस एडिसन ने काफी मेहनत करके 1876 में इलेक्ट्रिक पेन बनाया था, लेकिन 1891 के बाद से इसे टैटू मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। वैसे इस्तेमाल से याद है, दुनिया में जितने भी एयरप्लेन आज मौजूद हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसे 2 गुना तो वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह हो गए थे और लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसे देखिए, इस छोटे से साइज से इसकी काबिलियत को जज मत कीजिएगा। ये 1 सेंटीमीटर का मेढक बहुत जहरीला है। इसकी स्किन में मॉर्फिन से 200 गुना ज्यादा जहर है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वैसे धमाका सुन के याद आया कि गंगनम स्टाइल म्यूजिक वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि यूट्यूब का व्यूज काउंटर ही रुक गया था, फिर अपग्रेड करने के बाद ये सही हुआ था। वैसे किडनी स्टोन इतना ज्यादा दर्द क्यों करता है ये तब पता चला जब किडनी स्टोन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। ये इतने ज्यादा नुकीले होते हैं जो किडनी में चुभते रहते हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है। वैसे की स्टडी के हिसाब से जब कोई दर्द में दारू पीता है तो वो 75% टाइम सच ही बोलता है, मतलब लाई डिटेक्टर की अब क्या ही जरूरत, बस दारू पिलाओ और सच बुलवाओ। वैसे दारू से एक फैक्ट याद आया कि एक सर्वे के हिसाब से जो पूरी नींद नहीं लेते हैं वो ड्रिंक करने वालों से भी ज्यादा खराब परफॉर्म करते हैं लाइफ में। क्या आपको पता है कि सेतपल एक अकेला ऐसा गांव है जहां सांपों के लिए कोई रोकथाम नहीं? यहां पर सांपों को मारा नहीं जाता। सबसे चौंकाने वाली बात है कि बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, पर आज तक एक भी स्नेक बाइट का केस यहां पर नहीं आया। इससे पता चलता है कि अगर हम चाहें तो जानवरों के साथ म्यूचुअली रह सकते हैं। वैसे रहने से याद आया कि ये है प्रिंसेस कजर, जो पर्सिया की ब्यूटी सिंबल थी और पुरुष इन्हें देखे बिना रह नहीं पाते थे, और इसी चक्कर में 13 पुरुषों ने सुसाइड कर लिया था। चक्कर से याद आया, जब भी आप अचानक से उठते हैं और अगर आपको चक्कर जैसा महसूस हो, इसका मतलब है आपको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो गया है, जो कि लो बीपी का ही एक फॉर्म है। इसके तुरंत बाद आपको थोड़ा नमक पानी पीना चाहिए। वैसे पीने के बाद वॉशरूम तो जाना ही है, लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे लॉन्गेस्ट पी 508 सेकंड्स की थी, मतलब 8.5 मिनट्स लगातार टॉयलेट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ उसने कितना पानी पिया होगा। वैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनके आसपास कोई ना कोई होता है तब उन्हें टॉयलेट नहीं होती और टॉयलेट के लिए उन्हें अकेले ही होना पड़ता है। ये बीमारी तो नहीं है पर एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसे पेरूरेसिस कहते हैं। क्या आपको भी ये डिसऑर्डर है? नीचे बताना ना भूलें।